अस्सलाम वालेकुम, न्यूज एट 5 के साथ मैं हूं अबीर हुसैन। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से मजमे जाबहक अफराद के लवाहकीन से मैयतों की तकफीन की अपील। वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में हजारा बरादरी के साथ हैं। जाबहक अफराद के लवाहकीन के दुख का एहसास है। जाबहक अफराद के लवाहकीन से मिलने जाऊंगा और बहुत जल्द क्वेटा का दौरा भी करूंगा। सानिहा मच के खिलाफ कराची के 600 से जायद मुख्तलिफ मकामात पर भी एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। प्रेस क्लब, नुमाइश चौरंगी, अबुल हसन इस्फहानी रोड और नॉर्थ कराची पावर हाउस के करीब शहरियों का धरना। एहतजाज में खवातीन और बच्चे भी शामिल। वजीर दाखिला शेख रशीद के बाद वफाकी वजीर अली जैदी और जफी बुखारी के धरने की शिरकत से मुजाकरात भी नाकाम। शिरकत का वजीर आजम की आमद तक धरना जारी रखने का ऐलान। वजीर अली जैदी ने कहा कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में बैरून हाथ भी मुलव्वस हैं। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान के साथ बात हुई थी, वो यहां आएंगे। कहते हैं जिम्मेदारी में गफलत करेंगे तो उसका सवाल मुझसे मेरी काबीना से होगा। हालात खराब होंगे तो नतीजा सब भुगतेंगे, हमने भुगता भी है। वफाकी हुकूमत मगरमच्छ के आंसू बहाना छोड़ दें। वजीर आजम फौरी क्वेटा जाएं, लवाहकीन से मुलाकात करें। वजीर बल्दियात इतलाफ सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि शहदा के लवाहकीन के मुतालबा तस्लीम किए जाएं। हम हजारा बरादरी के दुख में बराबर के शरीक हैं। कराची में पुलिस सुस्त, लुटेरे हुए चुस्त। सुबह सवेरे लेफ्टिनेंट बोर्ड बेसन के करीब मुलजमान बंगले में दाखिल हुए। अहलखाना को हाथ पैर बांध कर यरगमाल बना लिया और आधे घंटे में घर का सफाया कर दिया। वारदात की फुटेज के सनी वनी उसको मौसू। गैस बहरान पर आवाम का इम्तिहान। कराची समेत सिंहभर में सीएनजी स्टेशन की बंदिश जारी। गैस की अदम फराम से सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब। मुसाफिरों को मुश्किल का सामना। ऐलान हुए वो 15 फुट का हुआ जी, ठीक है ना जी। हम कहते हैं कि बिशक हो जावे 15 फुट, कोई किसी को इतराज नहीं हो सकता। इतनी जगह तो पड़ी ही है सबके पास। अगर इससे मजीद ज्यादा होगी तो फिर परेशानी होगी लोगों को। महमूदाबाद नाले पर तजावजात का खात्मा करने के लिए ऑपरेशन आज तीसरे रोज भी जारी। गुज़श्ता रोज की जाने वाली कार्रवाई में 1.5 किलोमीटर का इलाका क्लियर कर दिया। ऑपरेशन में पख्ता मकानात गिराने का तैयारियां। तजावजात के खिलाफ कार्रवाई भी जारी रहेगी। वफाकी वजीर मवासला फराज सईद ने कहा पीपल्स पार्टी की क्यादत की तरफ से चौरंगी में नाजेबा जबान इस्तेमाल की गई। वफाकी फंड्स मिलने के बावजूद सिंध में तरक्याती मनसूबे न होने के बराबर हैं। सिंध की तरक्की का पैसा फालूदे वाले, समोसे वाले और गोल गप्पे वालों से मिला। गरीब आदमी क्या करे, चीनी का पूरा करे या आटे का पूरा करे और चीजों का पूरा करे। अल्लाह आप से गरीब हवा। चीनी फिर महंगी हो गई है, नाश्ता करना छोड़ दें क्या? आप बताओ ये मर जाए गरीब आदमी क्या करे। दुकान पे दिखा दो लेकिन हम उसको मांगे नाम से। गरीब अब चाय से भी गया, महंगाई में मीठी चीनी कड़वी कर दी। 2 दिन में कीमत 5 रुपए और 1 माह में 11 रुपए बढ़ गए।
अब नहीं चलेगी ड्रामेबाजी। कराची पुलिस ने गदगर माफिया और गैंग के खिलाफ क्रैकडाउन का प्लान तैयार कर लिया। भिखारियों के बच्चों के डीएनए टेस्ट कराने का फैसला। पैदल आओ पैदल जाओ। कराची के मशहूर बंसोड फूड स्ट्रीट पर 10 जनवरी से गाड़ियां दाखिल नहीं होंगी। पैदल चलने वालों के लिए मुख्य करने का फैसला। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टू की जाने से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बावन अफराद जाबहक, 2,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। अम्बाह की मजमूई तादाद 10,461 हो गई। कराची में सर्दी की लहर बरकरार। शहर इकायत में कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने कहा कि कराची में मजीद आइंदा चंद रोज तक मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज बनू में अवामी ताकत का मुजाहरा कर रहा है। सरबरा PDM मौलाना फजल रहमान की क्यादत में बनू तक रैली। PDM कायदीन बनू स्पोर्ट्स स्टेडियम में जलसे से खिताब करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सितारा 238वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। मुल्की और इलाकाई खसूसन सरहदी और अंदरूनी सिक्योरिटी से इतिहाद और फौज के पेशिया वराना अमूर का तफसीली जायजा लिया गया। मजलूम भाइयों से मुकम्मल इजहार यकजहती। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि सलाहियत के आला मयार और हर सतह पर सबसे आगे रहने से ही तमाम चैलेंजेस का मुकाबला किया जा सकता है। कौम के हीरो एतजाज हसन को बिछड़े 7 बरस हो गए। एतजाज हसन ने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने के जज्बे का मुजाहरा करते हुए 7 साल कबल जामे शहादत अर्ज किया था। एतजाज हसन को उसकी बहादुरी पर तमगा शजाअत से भी नवाजा जा चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के जिले मानसहरा में अफसोसनाक वाकया। गैस लीकेज के बाद दम घुटने से एक ही घर के 6 अफराद जाबहक। लाशों को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी की लहर बरकरार। PSX 100 इंडेक्स में 45,000 की नफसियाती हद मूव कर ली। इंडेक्स 3 साल बुलंद तरीन सतह पर पड़ा। गश्त की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस हुकाम के मुताबिक शुदा मुल्क करंटी थाना नंबर के रोड पर भाग रहा था। काफी देर तक शहरियों को चकमा देता रहा। तमाम शहरियों ने शुदा मुल्क को पकड़कर इंतजामिया के हवाले कर दिया। न्यूजीलैंड में शाहीन परवाज भूल गए। बैटिंग चली ना बॉलिंग फील्डिंग भी नाकस। फाइस्टर्स जैसी दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम 186 रन पर ढेर। कौमी टीम को 176 रन और एक इनिंग्स से बदतरीन शिकस्त। टीम ने सीरीज में क्लीन स्वैप कर दिया। टेस्ट रैंकिंग में भी तनजली पाकिस्तान 6वें नंबर पर आ गया। अदाकारा मॉडल और गुलकारा महवेश हयात ने जिंदगी की ऐसी बहारें देख ली। आज अपनी सालगिरह मना रही हैं। खबर अदाकारा ने अपने करियर का आगाज 2010 में ड्रामा सीरियल माँ दिली से किया था। मुख्तसर अरसे में शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली महवेश हयात को 23 मार्च 2019 को यौम पाकिस्तान के मौके पर सदर मुमलिकत की जानिब से 4वें बड़े Nothing that happens here matters in the real world. I'm on the ground! Any more friends back there? I'm calling 911. Get back to your homeroom and stay put until...
hard. और एक्शन से भरपूर हॉलीवुड फिल्म ग्रैंड हाइट फाइव का पहला ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म रवासाव के आंखों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। हेडलाइंस आपने जाने, न्यूज़ एट फाइव का होगा बाकायदा आगाज से एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।